हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद राहत। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी और जायकेदार चिकन चंगेज़ी होटल स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ ले लिया है मैंने 3 पाव चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और इसे मैंने चलनी में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल चुका है। इसे मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच और इसमें ऐड करेंगे हम आधा नींबू का जूस और इसे अच्छे तरह से डालें। अब इसमें हम डालेंगे तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं। ये देखिए चम्मच का साइज़ थोड़ा छोटा ही है, आधा चम्मच डालें इसमें। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच भर के भुना हुआ ज़ीरा और लिया है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला, ये भी इसी में जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम फूड कलर ऑप्शनल है क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर आपको कलर इसके अंदर थोड़ा कम रखना है तो आप इसमें फूड कलर जो है स्किप कर सकते हैं। अब अच्छे से इसे मैरिनेट करेंगे हम कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी कर सकते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए भी इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ दही नहीं डाली थी तो यहाँ देखिए मैंने 1 चम्मच भर के दही ली है। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो अच्छे से मिक्स करें। आप चाहे तो चिकन के पीस पे थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं, मैं कट लगाना भूल गई थी यहाँ। अब चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है तो यहाँ डाला है देखिए मैंने 1 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने यहाँ। और कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची और मैंने जायफल लिया है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और थोड़ी सा मैंने जावित्री का टुकड़ा लिया है। तो ये इतने ही गरम मसाले जाएंगे। अब इसे हल्के से चटक जाएंगे गरम मसालों को, खुशबू आने लगेगी। तो इसमें ऐड करेंगे हम कटी हुई प्याज। 2 प्याज को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, ये देखिए मोटा मोटा काटा है और प्याज का साइज़ मीडियम था, मीडियम साइज़ की मैंने 2 प्याज ली थी। अब इसे डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, पहले सॉफ्ट करेंगे हल्का सा। और ये जो चंगेज़ी है आप इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आपकी बाहर वाली चिकन चंगेज़ी खाना भूल जाएंगे। तो देखिए प्याज यहाँ सॉफ्ट हो चुकी थी। मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए थे थोड़े बड़े साइज़ के और इसे भी मैंने मोटा मोटा काटा है, डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर प्याज को हम जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे ढककर पकाएंगे। ये प्याज थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने ये भी डाल दी है इसी में। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे यहाँ। इसे टमाटर और जो प्याज है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ में ही यहाँ हम डालेंगे 4 मगज़ और काजू। काजू मैंने लिए हैं 1 बड़ा चम्मच भर के और जो मेरे पास 4 मगज़ है उसे भी मैंने 1 चम्मच ही लिया है भरकर। अब इसे भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और इसे हम ढक देंगे जब तक प्याज और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे कवर कर दें और ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर इसे हम छोड़ देंगे। और देखिए 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो प्याज़ और टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही हम इसे सॉफ्ट करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं, मसाले भी अच्छे से हो चुके हैं हमारे। तो इसे निकाल लेंगे और ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में। अब फिर से ले लिया है वही पैन मैंने, इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड किया है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दें। ये जो चिकन के पीस है हमें सिर्फ वही डालना है, अगर इसके अंदर मैरिनेट बचे तो हमें वो जो लिक्विड बचेगा वो इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ पीस निकाल कर हम इसके अंदर डालेंगे। और इसकी साइड जैसे ही गोल्डन होने लगेगी हम साइड को भी चेंज करेंगे। पहले कुछ देर ऐसे ही ढक देंगे और ढककर हम इसे कम से कम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसे देखिए यहाँ मैं कवर कर देती हूँ, सारे पीस मैंने रख दिए हैं। और देखिए 5 मिनट हो चुकी थी, अब मैं चिकन दिखाती हूँ आपको। देखिए अभी साइड में इनका थोड़ा कलर जैसे मैंने डाला था अभी वैसे ही है, एक इसके अंदर डार्क कलर नहीं आया है, जो काले रंग के स्पॉट हैं वो अभी नहीं आए हैं। तो अभी हम इसे फिर से पकाएंगे ऐसे ही। तो सभी पीसेस को अच्छे से इनकी साइड चेंज कर दें क्योंकि चारों तरफ से ये सिकना भी चाहिए और अच्छे से पकना चाहिए। तो फिर से मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ूंगी। और देखिए 3 से 4 मिनट हुए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। अभी भी ये अभी जो इसके अंदर गोल्डन कलर है अभी वो नहीं आया, हल्का हल्का ऐसा जो आया है इसे हमें थोड़ा सा डार्क कलर में लाना है। तो यहाँ फ्लेम को कर लेंगे अब हाई फ्लेम पर हम जो है इसे पकाएंगे। इसके अंदर अच्छा सा स्पॉट आने चाहिए काले काले कलर के, गोल्डन कलर के, तभी हमारा जो चिकन चंगेज़ी है बहुत अच्छा तैयार होएगा। तो इसे ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहें। और देखिए यहाँ जो चिकन है अच्छे से देखिए डार्क कलर आ चुका है, जो चिकन है हमारा अच्छे से सिक चुका है,
बस इतना ही पकाना है। अब इसे हम इसमें से निकाल लेंगे और इसी पैन में हम बनाएंगे। तो इसे निकाल लेते हैं। तो फिर से ले लिया है मैंने वही पैन, इसमें डाला है मैंने देखिए एक चम्मच तेल, और ये मैं थोड़ा सा यहाँ बटर डाला है आधा टिक्की, क्योंकि इसमें ढेर सारा बटर भी जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक चम्मच भर के डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसे भून लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्लेम को यहाँ लो रखें, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएं, क्योंकि बटर है वो भी जलने लगेगा और जो लहसुन अदरक है वो भी जल जाएगा। अब यहाँ डालेंगे एक चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके अंदर डालेंगे डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच तीखी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च हमने उसमें भी डाली है ध्यान रहे, और ये डाला है मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, एक चम्मच चाट मसाला है। हल्का सा इन सभी चीज़ों को हम एक से डेढ़ मिनट के लिए पहले ऐसे ही भून लेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें और ऐड की है, क्योंकि कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा था। आधा चम्मच डाला है मैंने नमक। फिर से इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। देखिए अभी अच्छा सा भुन चुका है। अब ये थोड़ा सा मसाला बचा था जो मैरिनेट करके रखा था हमने चिकन, वो यहाँ ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसे और भूनेंगे हम कम से कम एक से डेढ़ मिनट के लिए, क्योंकि ये मसाले भी थोड़े कच्चे हैं अभी। तो इसे इसी तरीके से भूनेंगे। देखिए मैंने यहाँ भून लिया है, अब इसमें अच्छे से कलर आ चुका था, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ जो हमने प्याज टमाटर को फ्राई किया था उसका पेस्ट बनाया था, वो यहाँ डाल देते हैं और करते हैं इसे मिक्स। फिर से हम अच्छे से इसे भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनें। आप इसे ढक के भी भून सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर काजू और चारों मगाज है ना, थोड़ी बहुत इसकी छींटे उड़ती हैं आपके ऊपर आ सकती हैं। तो ये जो मसाला है पहले अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दें। ज़रूरत लगे तो बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहें। देखिए जैसे मैं बीच बीच में मैंने एक दो बार और चलाया है, इसी तरीके से आप बीच बीच में चलाते रहेंगे, मसाला भी हमारा जो है नीचे नहीं लगेगा और अच्छे से भून भी जाएगा। तो इसे फिर मिक्स कर देते हैं और फिर से हम कवर करके छोड़ेंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी भी इसके छींटे उड़ रही हैं। और देखिए अब यहाँ इसकी बिल्कुल भी छींटे नहीं उड़ रही हैं। अब यहाँ डालूंगी मैं आधा कप दूध। दूध से क्या होगा, थोड़ी सी रिचनेस आएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फिर से कर देते हैं मिक्स और फिर से हम इसे ढक्कन ढकेंगे। ढक्कन ढककर ऐसे ही हम इसे फिर से पकाएंगे, क्योंकि ये अभी भुनने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो तेल है पूरी तरीके से ऊपर नहीं आया है। और देखिए अभी अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ डालेंगे दो चम्मच दही। दही हमने शुरू में भी डाली थी एक चम्मच, टोटल हमने तीन चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। यहाँ दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते रहें। फ्लेम को यहाँ मीडियम रखें, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो देखिए इसकी कितनी छींटे आपको भी नज़र आ रही हूँ किस तरीके से उड़ रही हैं, और ये आपके हाथ पे मुँह पे आ सकती हैं। फिर से कवर करेंगे और देखिए तेल अच्छे से ऊपर अब आ चुका है हमारा। मिक्स कर देते हैं इसे, अच्छे से चला लें। फ्लेम को यहाँ लो या मीडियम करें, मैंने यहाँ फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पर अब मैं इसके अंदर डालूंगी फ्राई हो गया हुआ अपना चिकन जो हम निकाल कर रखा था, इसका जो तेल वगैरह है, जूस वगैरह है, सब हम इसी के अंदर ऐड करेंगे। और देखिए चिकन पे भी कितने अच्छे कलर आया है, और जो चंगेज़ी का मसाला है वो भी देखिए कितना हमारा कलरफुल तैयार हुआ है, कितना अच्छा कलर इसमें आया है। जो चंगेज़ी होती है थोड़ी सी लाल कलर की, डार्क कलर की ही होती है, तो बस कलर का ध्यान रखें, ज़्यादा इसमें कलर नहीं जाएगा। और जो ग्रेवी होती है चिकन चंगेज़ी की, वो भी थोड़ी थिक होती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कर लें इसे अच्छे से मिक्स और इसे कवर करके फिर से ऐसे ही छोड़ेंगे, ढक देते हैं। और देखिए चेक करा रही हूँ आपको, चिकन को फिर से हम मिक्स करेंगे। बीच बीच में ज़रूर चलाते रहें, क्योंकि अभी हमें चिकन को पूरी तरीके से गला नहीं था जब हमने इसे रोस्ट किया था। अब हम इसे अच्छे से गलाएंगे और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। और अब यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई, ये मेरे पास फ्रेश की मलाई थी, थोड़ी सी दूध पे से उतरी हुई, मैं वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है, ये भी इसे क्रश करके डालेंगे। थोड़े से ये कटे हुए अदरक के लच्छे डालेंगे। ये रेडी हो चुका है, कवर करेंगे कुछ देर इसे हम ऐसे ही, और इसे पकने के लिए कुछ देर और छोड़ेंगे हम। तो ढक देते हैं इसे। ढकने से पहले डाल दें चार हरी मिर्च। और देखिए हमारी चंगेज़ी कितने अच्छे से जो बनी है, बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार टेस्टी बनी है, यकीन मानिए एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे हाफ बटर, और देखिए ये डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बटर बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है, उसी से जो हमारी चंगेज़ी है बहुत अच्छी तैयार होती है। कर देंगे फिर से मिक्स। अब ये रेडी हो चुका है, करके दिखाते हैं आपको प्लेटिंग। फ्लेम को यहाँ कर दिया है बंद और ढक देते हैं। ये रेडी हो चुका है और लीजिए तैयार हो चुका है हमारा चिकन चंगेज़ी। इस तरीके से आप बनाएं, बना के ज़रूर ट्राई करें, अपने परिवार को रिश्तेदार को ज़रूर खिलाएं। आप इसे घर के किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं, पार्टी में हो या किसी दावत का ऐसा फंक्शन हो, तो आपकी तारीफ बहुत बेइंतहा होगी। बहुत सिंपल और आसान है, इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरी वीडियो आपको कैसी कर लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मेरी वीडियो को कहाँ से पसंद किया जा रहा है, इस चीज़ का ही मुझे कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, अपने कमेंट अपने राय वहाँ दे सकते हैं। मेरी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।